नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। दोस्तों, हम पीछे बहुत ही अच्छी बहुत यूजफुल सीरीज को कर रहे हैं अपनी शाश्वता दीदी के साथ। शी इज अमेजिंग पर्सन। मैं पर्सनल लेवल पे बोल सकता हूँ कि मेरा अनुभव जीवन का, जिसने मुझे बहुत लोगों के बारे में पहचान सिखाई है, तो मैं एक व्यक्तिगत तौर पे उनको एक बहुत बेहतरीन इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान के तौर पे मैंने देखा है। उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच, उनके सोचने का तरीका बहुत अच्छा है और उन्होंने जो पीछे वीडियोस दिए हैं वो इतने यूजफुल हैं, इतने काम के हैं कि अगर सभी जने देखें तो उनको अपने बहुत सारे समस्याओं का समाधान वहां मिल जाएगा। शाश्वता दीदी के साथ मेरी कई बारी चर्चा हुई है, उसमें मैंने बहुत कुछ उनसे चर्चा में सीखा है। तो आज फिर एक बार हम स्वागत करते हैं और आज हम एक फिर नया टॉपिक ले रहे हैं, एक नया वीडियो बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं वीडियो पितृदोष पर। हम सभी जानते हैं कि पितृदोष का प्रभाव हमारे जीवन में कभी कभी हमारे पूरे जीवन को सुख से हीन कर देता है, हमारे जीवन की समस्याओं का अंत नहीं हो रहा, कारण समझ नहीं आता। तो आज वो हमें उसके कारण भी बताएंगी, उसकी पूरी पहचान तरीका बताएंगी कि कैसे देखा जाता है और उसके समाधान के ऊपर भी उन्होंने रेमेडीज दी, आप उसे सुनेंगे और सभी को लाभ हो सकता है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। ये आप ही का चैनल है, आप ही का मंच है, आपने इस मंच की शोभा को बढ़ाया है, उसके लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है पितृदोष। तो पितृदोष पे आप थोड़ा सा हमें गाइड करें जी। हम पहले देखेंगे कि पितृदोष है क्या। जी, पितृ मतलब है पिता या फादर, पिता जनक। जी, तो पितृदोष पिता से रिलेटेड नहीं होता है, ये हमारे जितने पूर्वज हो है इनसे रिलेटेड होता है। अब हम देखेंगे पितृलोक है क्या। तो मैं देखी हूँ कि कई कई पुराने ग्रंथ हैं जो सिद्धांत शिरोमणि है, उनमें गोलाध्याय में श्लोक 13 और 14 में, और सूर्य सिद्धांत श्लोक 14 में देखी हूँ, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में श्लोक 25 में लिखा हुआ है, और बटेश्वर सिद्धांत में श्लोक 4 में ये पितृलोक का पितृलोक है ऐसा इन्होंने बोलते हैं। पितृलोक एक कहीं है ऐसा उनका मानना है। और वैदिक ज्योतिष शास्त्र जैसे बृहत पराशर होरा शास्त्र और जातक पारिजात और प्रश्न मार्ग, जातक रत्न, जातक तत्व, इन सभी में ये पितृ दोष को यहाँ वर्णन किया गया है। उनका मानना है कि पितृ दोष होता है और इन्होंने पितृ दोष का वर्णन किए। हम देखेंगे कि एक हॉरोस्कोप में, एक जातक में कौन कौन सा भाव, कौन कौन सा हाउस पितृदोष बनाता है। जी, द्वादश भाव है, प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, पंचम भाव है, षष्ठ भाव है, अष्टम भाव है, नवम भाव है और दशम भाव है। ये जो 8 भाव है इसमें पितृदोष बनता है। पितृदोष जो बनाते हैं, जो राशि में ग्रह रहने से पितृदोष बनता है, वो राशि जो पुरुष राशि है वो है मेष, सिंह और धनु और कुंभ। ये 4 पुरुष राशि में पितृदोष बनता है। और जो स्त्री राशि है, कर्क है, वृश्चिक है और मकर है और मीन है, ये 4 राशि से ये फीमेल एंसेस्टर्स हमारे जो स्त्री पूर्वज है उनका, उनके कारण ये बनता है पितृदोष। और जो मेष और सिंह और धनु और कुंभ में हमारे जो पुरुष पूर्वज है उनसे पितृदोष बनता है। पितृदोष बनाने के लिए, पितृदोष का जो कारण होता है, जो ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं वो है सूर्य, चंद्र, गुरु, शनि, राहु और केतु। अभी हम देखेंगे कि क्या ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, क्या ऐसा होता है जिसके कारण ग्रह कहाँ बैठता है, कौन से ग्रह किसके साथ बैठने से कौन से भाव में पितृदोष बनता है, ये हम देखेंगे। अगर हमारा लग्न है, लग्न के दोनों तरफ अगर दो
अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे शनि है, राहु है, या केतु है, शनि है, अगर ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो ये पाप कर्तरी बन जाता है। अगर हमारा लग्न पाप कर्तरी के बीच में बैठा हुआ है, या लग्न हमारा बहुत कमजोर है, और सूर्य अगर अपने नीच राशि में है, पंचम भाव में है, और पंचम भाव के दोनों साइड में चतुर्थ और षष्ठ भाव दोनों साइड में अशुभ ग्रह बैठे हैं और पाप कर्तरी बना रहे हैं पंचम भाव को, अगर सूर्य और राहु ये दोनों का युति होके पंचम भाव में ये है, तो पुरुष पूर्वजों के कारण हमारा हमारे जो जातक में पितृदोष बनता है। अगर चंद्र शनि के साथ है, और या चंद्र के दोनों साइड में अशुभ ग्रह शनि और राहु, या शनि और केतु बैठे हुए हैं, या शनि चंद्र पंचम भाव में बैठे हैं और मंगल राहु लग्न में बैठे हुए हैं, तो हमारे जो स्त्री पूर्वजों हैं, फीमेल एंसेस्टर्स, स्त्री पूर्वजों हैं, उनके कारण हमारे जातक में, हमारे हॉरोस्कोप में पितृदोष बनता है। अभी हम देखेंगे कि पितृदोष बनने से क्या होता है, क्या कठिनाइयां आते हैं जीवन में, क्या नुकसान होते हैं, क्या होता है, क्या दुखद घटना घटती है। पहले तो अगर पितृदोष बनता है तो हमारे हमें ऐसा कोई बीमारी हो जाती है जिसके कारण हमें बहुत लंबा समय तक, बहुत सालों तक उसके लिए तकलीफ झेलना पड़ता है। कोई भी मेडिसिन काम नहीं देता है। पूरी दुनिया भर के जितने वैद्य है, अच्छे अच्छे फेमस डॉक्टर्स है, हम भागा दौड़ी करके उनके पास जाते हैं, दिखाते हैं, आशा करते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, पर हम ठीक नहीं होते हैं। बहुत लंबे अरसे तक, बहुत लंबा समय तक हमारा बीमारी लगे रहता है जी। ऐसे समय में आपको जान लेना चाहिए कि आपको ये पितृदोष ही लगा हुआ है, जिसके कारण आपको कोई दवा नहीं काम दे रहा है, कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पा रहे। अगर मानसिक स्तर पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, अगर उसको उन्माद बोल सकते हैं, अगर उन्मादपन होता है या मानसिक स्तर पे कोई डिजॉर्डर हो जाता है, तो भी हम ये मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पितृदोष से हम कवलित हो गए हैं, हम परेशान हो गए हैं। अगर बालारिष्ट हो गया है, बच्चा कम उम्र में 12 साल के से छोटा बच्चा अगर आपका देहांत हो जाता है आपके घर में, तो आप जान लेना कि, या आपका खुद का भी 12 साल के अंदर अगर तबीयत खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, मतलब आप जान लीजिए कि आपको बालारिष्ट हुआ है, और वो भी पितृदोष के कारण हुआ है। और कई बार आपको, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, फिर भी आपको कोई भी कारण से पढ़ाई में कोई भी बाधा विघ्न आता है। मान लीजिए घर में ऐसा मम्मी का हो, पापा का हो, या ऐसा किसी का हो जो बहुत तबीयत खराब है, जिसके कारण आपके पढ़ाई में बार बार रुकावटें या व्यवधान आ रहा है, तो आप जान लीजिएगा कि आपके कुंडली में पितृदोष है। आपका बहुत अच्छा एजुकेशन है, बहुत अच्छा आपने मार्क्स लाए हो, फिर भी आपने कहीं पे भी आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है। आप रोजगार करने के सामर्थ्य रखने के बाद भी आपको रोजगार करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है, आपको कोई भी कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ये जो नॉन एम्प्लॉयमेंट हुआ, आपको रोजगार ही नहीं मिलता है, रोजगार क्षमता है फिर भी नहीं मिल रहा है, आप जान लीजिएगा कि कहीं ना कहीं पितृदोष से आप घिरे हुए हैं। अगर आपको दारिद्रता घेरा हुआ है, मैं बहुत लोगों का ऐसा जानती हूँ, उनका अच्छे घर में पैदा होते हैं, अच्छा इनकम भी होता है, और एकदम से ऑल ऑफ सडन उनका सब पैसों का नुकसान हो जाता है, वो एकदम से गरीब हो जाते हैं। तो ये जो दारिद्रता है, अगर आपने आपका पैदाइश, आपका जन्म ही थोड़ा लोअर स्टाटा में हुआ है, लोअर लेवल में हुआ है, तो बात अलग है। आपने अगर एक मध्यमिक परिवार में जन्म हुए हैं और फिर भी आपको दारिद्रता गिरा हुआ है, मतलब आप जान लीजिएगा कि आपका पितृदोष जरूर है आपके कुंडली में। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा ऋण लेना पड़ता है, और आपने सोचते हैं, आपका प्लानिंग रहता है कि ये समय में, ऐसे इतने साल में मैंने मेरा ऋण का चुकता कर लूंगा या कर लूंगी, पर ऐसा नहीं होता है, और आपका ऋण का मात्रा बढ़ते जाता है जी। आप और ज्यादा ऋण के बोझ में दबे जाते हो, और आपका विवाह योग्य हो, घर में पैसे हैं, अच्छे खानदान को आप बिलोंग करते हो, अच्छे खानदान में आपका जन्म हुआ है, फिर भी आपको जीवन साथी नहीं मिल रहा है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, आपका जन्म पत्र लेके कई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते रहते हैं, ये मैं देखी हूँ,
और आपका विवाह हो नहीं पाता है, मतलब फिर हुआ है तो वो 36, 37, 38 साल में होता है, बहुत ज्यादा लेट होता है। ऐसे में भी आप जान लीजिएगा कि आपको पितृदोष हो गया है, लगा हुआ है। और अगर आपका शादी हो गया तो बहुत ही दुखी आपका वैवाहिक जीवन होता है, बहुत दुखद वैवाहिक जीवन अगर आपका होता है तो आप जान लीजिए कि आपको पितृदोष लगा हुआ है। आपका अगर बच्चा संतान पैदा हुआ और उसका मृत्यु हो जाता है, या असमय में उसका मृत्यु हो जाता है, या आपको बच्चे ही नहीं होते, संतानहीनता होता है, तो भी आप जान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं पितृदोष जरूर गिरा हुआ है। और हमेशा घर में अशांति, झगड़े, मारा पीटी, हाथाहाथी अगर होता है घर में, जबकि आप इतने खराब परिवार को बिलोंग नहीं करते हो, आप एक अच्छे खानदान के हो, पर घर का सदस्य कितना उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बिना झगड़ा किए या बिना अशांत होके रह नहीं पा रहे, बेवजह का झगड़ा हो रहा है घर में, रोज दिन का हो रहा है, तो आप जान लीजिएगा ये पितृदोष है, कोई जरूर पितृदोष है जिसके कारण आपके घर में, आपके घर का माहौल में, वातावरण में इतना अशांति फैल रहा है। और उसके बाद अगर आपको एकदम से ऑल ऑफ सडन जॉब से निकाला जाता है, ऑल ऑफ सडन आपको नौकरी से बोलते हैं कल से नहीं आना, या दो घंटे का नोटिस देके बोलते हैं बस तुमने तुम्हारा लो हिसाब कर और जाओ, अगर ऐसा स्थिति बन जाता है तो आप जान लेना कि ये आपका पितृदोष के कारण ही ऐसा हुआ है। मैंने आपको पहले से बोली, ये जो घटनाएं घटती है जिस ग्रह के कारण आपको पितृदोष बना है, उसी ग्रह के महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में ही ये घटनाएं घटेंगी। और हो सकता है आपको बेवजह कुछ इल्जाम लग गया हो, आपको चार्जशीट दिया गया है, वो भी बहुत एक दुखद घटना है किसी के भी जीवन में, तो ऐसा होने से आपको जान लीजिएगा कि आपको पितृदोष जरूर हुआ है। और अगर जीवन के हर क्षेत्र में, हर फ्रंट में, इच एंड एवरी फ्रंट में आपको हताशा, निराशा और बाधा हर क्षेत्र में आपको ऐसा हो रहा है, ठीक है, किसी को पढ़ाई में कमजोरी है, किसी को काम करने में थोड़ा कम होता है, किसी क्षेत्र में आप थोड़ा कम हो सकते हो, अगर हर क्षेत्र में आपको रुकावटें आ रही, हर काम में आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको पितृदोष है। और आपको एकदम से आपके अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस एकदम से बैठ जाता है, एकदम से आपको रातों रात लॉस हो जाता है, तो उसे आप जान लेना कि पितृदोष आपको प्रॉब्लम में डाल दिया है। और उसके बाद आपका जीवन जो है बहुत दुखी जीवन होता है, बहुत दुखद जीवन होता है, तो आपको ऐसा होता है। और इसके बाद अगर आपने लगातार हमेशा बहुत बुरे बुरे सपने देखते हैं, बहुत बुरे बुरे सपने देखते हैं, और जो सपने देख के आप सपने से जागने के बाद अब सपने को याद करके डर जाते हैं, आपको एक डर बैठा रहता है, मेरा इतना दुस्वप्न देखा मैंने, पता नहीं क्या होगा, अगर मन में ऐसा डर आया आपका, तो आप जान लीजिएगा ये आपको पितृदोष हुआ है। और पितृदोष कब घटना, ये जो खराब घटना घटता है जीवन में वो कब घटता है, जो भी ग्रह बनाए हुए हैं, सूर्य है, चंद्र है, गुरु है, शनि है, जो भी ग्रह बनाए हैं आपका पितृदोष, उनके महादशा, उनके अंतरदशा या उनके प्रत्यंतर दशा में ही ऐसा घटना घटते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, 41 पूर्वज हैं जिनके कारण हमें पितृदोष लगता है, 41 मतलब 41 पूर्वज हैं, उनमें से कुछ पूर्वजों का नाम बता रही हूँ, जैसे पिता है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, माता है, चाचा है, चाची है, और परदादा है, परदादी है, पर नाना है, पर नानी है, मामी है, मामा है, अपने स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, इनके ऐसा ऐसा करके 41 है, 41 हमारे पूर्वज हैं, हमारे रिलेटिव हैं जिनके कारण। अच्छा, क्या कारण है वहाँ हम देखेंगे कि कारण तो बहुत है, पर जो खास पांच कारण है, खास पांच कारण में एक है कि अगर वो डिससैटिस्फाइड थे, तो अगर उनको, आपके जो पूर्वज हैं उनको अगर सेटिस्फेक्शन, शांति नहीं मिला है। हाँ जी प्लीज कंटिन्यू करें। कहाँ से था?
मुझे नहीं हाल आप बता रहे थे कुछ। अच्छा ओके ठीक है शुरू करो। हाँ जी तो पितृदोष के तो कई कारण है पर पांच मुख्य कारण है कि अगर हमारे पूर्वज डिससैटिस्फाइड हैं, अशांत हैं, उनको खुशी नहीं है और अगर उनको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है, अगर उनको कोई श्राप लगा हुआ है या वो हमें खुश नहीं होके हमें कुछ श्राप दिए हैं और अगर उनका मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु के बाद अगर उनका जो दाह संस्कार हमने सही तरह से नहीं किए हैं, गया में जाके जो गया में पिंडदान करते हैं श्राद्ध करते हैं वो नहीं किए हुए हैं, उनका जो जो कर्म करना चाहिए मृतक होने के बाद जो कर्म करना चाहिए हमने अगर वो नहीं किए हैं और हमने इस जन्म में खुद कोई गलत काम कर रहे हैं, हमारा कर्म ही खराब है, तो वो पितृदोष क्रिएट करता है। तो पितृदोष के लिए कुछ समाधान चाहिए, पितृदोष अगर बन गया है तो उसके लिए कुछ समाधान करना चाहिए, उसमें हमें हमारा कुल देवी और कुल देवता का पूजा करना चाहिए नित्य प्रतिदिन, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए और जिनको पितृदोष लगा हुआ है उनको नित्य पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए कम से कम एक माला 108 बार। और एक तो जाप करें या श्रवण करें, क्या श्रवण करें, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें या श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करें या पाठ करें, वाल्मीकि रामायण का पाठ करें या श्रवण करें, सत्यनारायण कथा का श्रवण करें या पाठ करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें या श्रवण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का आपने पाठ करें या श्रवण करें, गजेंद्र मोक्ष का श्रवण करें या पाठ करें, रुद्राष्टाध्याय का पाठ करें या श्रवण करें, या पुरुष सूक्त का आपने पढ़े खुद पाठ करें या सुने श्रवण करें, और पीपल के ट्री को पीपल के गच पीपल का जो पेड़ होता है पीपल के पेड़ को हमें पूजा करना चाहिए, उसमें पानी जल चढ़ाना चाहिए और उनका पूजा करना चाहिए। और जो जो ग्रह पितृदोष बना रहे उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए या तांत्रिक मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे सूर्य है, चंद्र है, शनि है, राहु है, केतु है, इनका बीज मंत्र नहीं तो तांत्रिक मंत्र, इनका वैदिक मंत्र इसीलिए मत करिए क्योंकि वैदिक मंत्र बहुत थोड़ा मतलब क्लिष्ट होता है, उच्चारण करने में बड़ा क्लिष्ट होता है, अगर हमने गलत उच्चारण करते हैं तो उसका उल्टा असर पड़ता है, हमारे ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग कोई भी अगर कोई ग्रह का मंत्र जाप कर रहे हैं तो बीज मंत्र का जाप करिए, नहीं तो तांत्रिक मंत्र का जाप करिए, वैदिक मंत्र का जाप मत करिए। उसके बाद कोई ब्राह्मण को अमावस्या के दिन या संक्रांति के दिन उनको भोजन कराइए, भोजन में भोजन कराइए, उनको वस्त्र दीजिए और उनको ससम माने दक्षिणा देके उनको विदाई करिए। ये सब है पितृदोष अगर होता है उसका समाधान हमने कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद और एक हमारा समाधान है जो कि महामृत्युंजय जाप जो होता है उसको संपुट लगाना पड़ता है, पहले एक संपुट लगाना पड़ता है महामृत्युंजय बोलिए, फिर बाद में एक संपुट लगाना पड़ता है, संपुट के बिना अगर हम महामृत्युंजय जाप करते हैं तो उसका फल जो हम आशा कर रहे हैं वो नहीं मिलता है, इसीलिए आपने संपुट के साथ महामृत्युंजय का जाप करिए। और एक है जो जिस तिथि में आपके पूर्वज का देहांत हुआ है उसी तिथि में ये जो आने वाला पितृपक्ष है उसी तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराइए, वस्त्र दान करिए और उनको उचित दक्षिणा देके उनको विदा करिए, ये तिथि में उनका श्राद्ध करना बहुत जरूरी है जिनका पितृदोष लगा हुआ है इनके लिए खास कर। बहुत बढ़िया अद्भुत श्रेष्ठ हमेशा की तरह टू द पॉइंट प्रिसाइज से कहना चाहिए, एकदम संपूर्ण पूरी जानकारी के साथ आप आते हैं जब बात बताते हैं तो एकदम कंप्लीट होती है इनको, अद्भुत श्रेष्ठ विधियों के लिए हृदय से बाहर। और सभी से मेरा निवेदन फिर से रहेगा कि शाश्वता दीदी के मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का आप नोट डाउन करें और आप उनको संपर्क कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, एक बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ एक बहुत अच्छी ज्योतिषी हैं। यहीं पे आपके इस अद्भुत वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद के साथ।